हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोग की दिवाली कैसी बीती मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मुझे लगता है दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है इसमें बहुत ही खर्चे होते हैं। शादी के पहले मैं तो दिवाली का वेट करती थी क्योंकि उस समय मुझे कुछ करना नहीं पड़ता था, सारे काम मम्मी पापा देखते थे। सिर्फ खाओ पियो मौज मस्ती पटाखे फोड़ो दिए जलाओ, यही काम था हमारा। लेकिन शादी के बाद जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती है, सारे काम खुद करने पड़ते हैं, तब समझ में आता है मम्मी पापा के जिम्मेवारियों का एहसास होता है और मैं मिस भी कर रही हूँ उन्हें। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। लंच करने के बाद मैंने शाम की तैयारी शुरू कर दी थी। आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, बस सेवई पूड़ी पुआ और पनीर की सब्जी बनाया मैंने। अगर हमारी मम्मी रहती तो इसमें 4-5 आइटम तो और भी बढ़ जाता। और यहाँ मैंने पनीर का सब्जी बनाया है। इन सब चीज़ों की रेसिपी मैं पहले से शेयर कर चुकी हूँ आप लोग को। मैं डिनर की तैयारी लंच में ही कर लेती हूँ क्योंकि शाम को बहुत सारे काम होते हैं। दिया जलाओ, रंगोली बनाना होता है, पूजा करना होता है, पटाखे भी फोड़ने हैं, तो सोचा कि जल्दी जल्दी करके काम निपटा लो, फिर रेडी भी होना है। और यह मैंने सारा पूजा की तैयारी करके रख दिया है। मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं और मैं पीछे से सारा कुछ बता रही हूँ ऐसे पूजा करना है। वैसे मैं भी जब पूजा करती हूँ तो मैं सारा कुछ मम्मी से पूछती हूँ कि कैसे करना है। तो यहाँ हमने लक्ष्मी जी गणेश जी के पास फूल रखा, पान के पत्ता पर सुपारी ड्राई फ्रूट्स स्वीट्स चावल रखा है, उन्हें भोग लगाया। फिर मेरे हस्बैंड पाठ पढ़ रहे हैं लक्ष्मी जी का। पूजा करने के बाद उन्होंने आरती किया, फिर हमारी पूजा समाप्त हुई। फिर हमने दिया जलाए, सारे लैंप को मैंने जला दिया। फिर दिया लाइट्स को देखकर मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने सारे घर में दिया जलाया, फिर बाहर दरवाजे पर जलाया। फिर मेरे हस्बैंड ने 2-4 फोटो शूट किया मेरा, फिर मैंने उनका। फिर इन सारे दियों को मैं दरवाजों पर, किचन, बेडरूम, पूरे घर में मैंने लगा दिया। और यहाँ मैंने फूल का बनाया है अल्पना और इसमें एक बड़ा सा दिया रख दिया है लक्ष्मी जी के लिए। और सारे दियों को मैंने सजा दिया, घर में भी फूल लगाया था। अच्छा लगता है इन सब चीज़ों को देखकर, सारे थकान भी दूर हो जाते हैं, मन खुश हो जाता है। दिया लैंप डेकोरेशन को देखकर, पटाखे को देखकर। फिर गए हैं हम पटाखे फोड़ने सोसाइटी के बाहर, क्योंकि सोसाइटी के अंदर मना है पटाखे फोड़ना। मैं और मेरा बाबू फोटो एंड वीडियो शूट कर रहे थे और यहाँ मेरे हस्बैंड कैंडल जलाकर पटाखे को पटाखे फोड़े जा रहे हैं। मैं यहाँ और मेरे रियांस, मैं रियांस को फुलझड़ी दे रही थी जलाने के लिए, बट वो इतना डर रहा था, डर के मारे मेरे से भी वो दूर भाग रहा था। यहाँ आप देख सकते हैं। बाहर से पटाखे फोड़ने के बाद फिर हम घर आए, कपड़े चेंज किए। फिर मैं एक फुलझड़ी जलाकर रियांश को दिखा रही थी ताकि उसका डर दूर हो, बट कहाँ, उसका डर तो बिल्कुल वैसे ही है, वो अभी भी डर ही रहा है।
सारा कुछ ख़त्म होने के बाद, पटाखे फोड़ने के बाद, अब हम जा रहे हैं डिनर करने। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए सर्व कर रही हूँ खाना। ये पटल की चटनी है जो उनको बहुत ही पसंद आती है, तो मैं अक्सर उनके लिए बनाती हूँ। उनको खाना देने के बाद मैं बाबू को खिलाऊंगी, फिर खुद खाऊंगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू।